आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी कढ़ी चावल। इसके लिए सबसे पहले चावल रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप बासमती राइस लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके 5 मिनट के लिए सोक करेंगे। आप इसके लिए किसी भी तरह का राइस यूज़ कर सकते हैं, मैंने बासमती राइस यूज़ किया है। राइस कुक करने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 1 लीटर पानी बॉयल होने के लिए चढ़ाया है। जो राइस हमने सोक करके रखा था उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और ये राइस इसमें डाल देते हैं। राइस को पहले 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे। बासमती राइस के अच्छे टेक्सचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनिशियली इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट बॉयल करें, उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पे इसे कुक करें। राइस 2 मिनट तक बॉयल हो चुका है, अब फ्लेम को मीडियम टू मीडियम हाई करके इसे कुक करेंगे। राइस अच्छे से कुक हो चुका है तो फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए पकौड़े बना के रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। बेसन को शिफ्ट कर लेंगे। इसमें 1/4 छोटे चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें, 1/4 छोटे चम्मच हींग, बिल्कुल 1 चुटकी जितना सोडा डालेंगे, 1/4 छोटे चम्मच अजवाइन। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। इसका थिक बैटर रेडी करना है पकौड़े की तरह, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें। तेल को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इस पकौड़े में सोडा को स्किप भी कर सकते हैं, उस केस में आप इस बैटर को थोड़ा ज़्यादा फेंटें जिससे कि नेचुरली इसमें बहुत ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट हो और आपका जो पकौड़ी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। पर क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स हमारा रेडी है तो अब इसे फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसके छोटे छोटे पकौड़े फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सोडा डालने की वजह से ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफी से बनते हैं, पर सोडा की क्वांटिटी इसमें बहुत ही कम रखें, बिल्कुल 1 चुटकी जितना, क्योंकि अगर आप सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो ये सारे जो पकौड़े हैं वो फटने लगेंगे। इसे अच्छे से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ी के लिए एक ब्लेंडर जार में 1/2 कप दही लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और 1/4 छोटे चम्मच हल्दी। इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसमें 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। ये कढ़ी का मिक्स रेडी है तो अब कढ़ी बनाने चलते हैं। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें 1/2 छोटे चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 छोटे चम्मच राई, 1/4 छोटे चम्मच हींग, 10 से 12 करी पत्ता, 1 हरी मिर्च और 4 बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जो बेसन का मिक्स हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसे बराबर चलाते हुए कुक करेंगे जब तक कि कढ़ी में एक उबाल आ जाए। कढ़ी बनाने के लिए आप थोड़ा खट्टा वाला दही लें, उससे कढ़ी का टेस्ट और अच्छा आता है। कढ़ी में उबाल आ गया है तो फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। इसमें 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें 1 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे जब तक कि कढ़ी थोड़ी सी थिक हो जाए। कढ़ी अच्छे से पक चुका है, थोड़ा थिक भी हो गया है तो इसमें 1/2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 छोटे चम्मच चीनी। थोड़ा सा चीनी डालने से दही की जो खटास है वो बैलेंस हो जाती है। इसी के साथ इसमें 1 बड़े चम्मच धनिया पत्ता डाल देंगे। अब जो पकौड़े हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देते हैं। पकौड़े डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कवर करके 10 मिनट तक रखेंगे। ये कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है, इसे सर्व करते हैं। आप इस कढ़ी पकौड़े की रेसिपी को ट्राई करें और अगर ट्राई करने के बाद पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।